दोस्तों, जब कोई लेक्चर या अध्ययन सामग्री विशाल एवं कठिन होती है और खासकर यूपीएससी की तैयारी के दौरान ऐसा अक्सर ही होता है, तो ऐसे परिदृश्य में माइंड मैपिंग विधि सबसे कारगर साबित होती है। माइंड मैपिंग आपके नोट्स को व्यवस्थित करने में मदद करती है और इसमें कोई खास मेहनत भी नहीं लगती। अभ्यर्थी को बस मुख्य विषय को उप शाखाओं में विभाजित करके विषयों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। यूपीएससी की तैयारी में माइंड मैपिंग तकनीक के कई फायदे हैं, जैसे कि निबंध और उत्तर लेखन में। यूपीएससी के लिए निबंध लेखन की प्रैक्टिस करते समय आप इस तकनीक का प्रयोग कर अपने उत्तर व निबंध को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बशर्ते आप एक सरल माइंड मैप बनाएं। नंबर दो, एक पेज में बन जाते हैं नोट्स। माइंड मैपिंग तकनीक से आप किसी भी विषय को एक पेज पर संक्षिप्त कर सकते हैं। नंबर तीन, दिखने में भी होते हैं आकर्षित। किसी एक कलर के पेन से लिखे गए कई पेजों के नोट्स के विपरीत यह माइंड मैप्स संक्षिप्त और रंग बिरंगे होते हैं। इससे यह होता है कि आप इनको पढ़ते समय बोरियत महसूस नहीं करते हैं और आपको थकान भी कम होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में इन माइंड मैप्स को बनाने की स्टेप बाय स्टेप तकनीक के बारे में। स्टेप नंबर वन, आप किसी ब्लैंक पेज पे सबसे पहले मुख्य विषय को लिख ले और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप इस मुख्य विषय को बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे उपभागों में विभाजित करते जाए। यह उपभाग सब टॉपिक्स या सब हेडिंग होते हैं। स्टेप नंबर दो, हर उपभाग से संबंधित कीवर्ड को तलाशे। इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर आप बड़े बड़े पैराग्राफ को संक्षेप में लिख सकते हैं। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, किंतु प्रैक्टिस के साथ कुछ ही समय में आप इसमें निपुण हो जाएंगे। स्टेप नंबर तीन, रंगों का करें प्रयोग। ज्यादा नहीं, लेकिन न्यूनतम दो से तीन रंगों का उपयोग करके आप इन नोट्स को बनाएं। आप हाइलाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप हेडिंग को सब हेडिंग से अलग कर सके। स्टेप नंबर चार, रचनात्मक बने। आप डूडल, इमोजी, छोटे क्लिप आर्ट या प्रतीकों का उपयोग करें। अपने नोट्स को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखें कि आकर्षक बनाने के लिए आप इन नोट्स पर ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। दोस्तों, आप चाहे तो इंटरनेट पर जाकर आप पहले से मौजूद माइंड मैप्स को देख करके, समझ करके उनको अपनी हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हैं। यह तकनीक सालों से हर सफल यूपीएससी अभ्यर्थी और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनाते आए हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो के बाद आपको भी माइंड मैप्स बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी माइंड मैप से जुड़ी सभी जानकारियां। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।